हेलो एवरीवन, चलिए मैं आपको अपना फार्म विजिट करवा देता हूँ। ये हमारा गैलरी है। ये गैलरी अभी कुछ दिन में ऊपर से कवर हो जाएगा, कंप्लीट लॉक हो जाएगा, ताकि ये रूम पैकिंग के लिए या कोई भी काम जो कि इंटरनल लूप से हो, तो इसके लिए ये पूरा गैलरी ऊपर से पैक हो जाएगा। ये लाइटिंग की हुई है। ये मेरा रूम नंबर 1 है। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। अभी एक एसी चल रही है, एक रूम अभी वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि आज टेम्परेचर थोड़ा भाग गया था, तो उस टेम्परेचर को अटेंड करने के लिए एसी चलाया हुआ है। ये रूम नंबर वन है। ये देखेंगे, ये रूम नंबर 2 है हमारा। ये रूम नंबर 3 है। आगे चलेंगे तो अभी काम हुआ है, तो ये कचरा यहीं पे पड़ा है, ये भी अब साफ़ हो जाएगा। ये पहले हमारा एक, ये देखिए कैसिंग के लिए ये पड़ा हुआ है, FYM फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि गोबर है, 2 साल पुराना है। ये फार्म यार्ड मैन्योर को सूखने के लिए दिया गया है, क्योंकि हमारे रूम में अभी 5-6 दिन बाद केसिंग होगी एक रूम में, तो ये केसिंग के लिए सूखने के लिए दिया गया है। इसमें चूना इस्तेमाल किया गया है, ताकि जो भी इसमें हीट हो के ये सूख जाए अच्छे से। ये हमारा फेज 1 फेज 2 के लिए स्पेस दिया गया है, जो कि बहुत जल्दी फेज 1 फेज 2 भी बनकर रेडी हो जाएगा। जो इसके लिए ब्लोअर सब अभी आ गया है। ये पहले हमारा छोटा सा बाग हुआ करता था, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया फार्म में। अब आपको पीछे वाला रास्ता दिखाऊं। ये पीछे हमने एसी दिया है, और CO2 एग्जॉस्ट भी, जो कि CO2 बाहर निकालने के लिए कटिंग जो हमने कराया है, ये CO2 को बाहर निकालने के लिए कराया है। अब ये सब बंद है, ये चल रही है एसी। ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये CO2 एग्जॉस्ट है। ये एक सीढ़ी है, कभी अगर ऊपर काम हुआ है, ऊपर भी पत्ता उत्ता गिर जाता है, साफ सफाई गंदी हो जाती है, तो ऊपर साफ कराने के लिए। ये हमारा कोकोपीट पड़ा हुआ है, हम इस बार कोकोपीट का बुरादा यूज कर रहे हैं। ये पूरा कोकोपीट का बैग पड़ा हुआ है। ये एक रूम है, जो कि यहाँ एक लड़का रहता है, उसके लिए रूम है। बहुत जल्दी हमारा फेज 1 फेज 2 टनल बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ से जस्ट रोड, बगल से रोड गई हुई है। एक रूम में काम शुरू हो गया है, कंपोस्टिंग का भी वीडियो जल्द ही आएगा। एक रूम आप देख सकते हैं, काम शुरू हो गया, पूरा रूम भर गया है। 4-5 दिन हो गए हैं, स्पॉन्डन हो रहा है, अच्छा हो रहा है स्पॉन्डन। ये ऊपर भी इस तरह से पूरा लॉक्ड है। इस रूम में हमने बांस का रैक बनवाया है, बाकी 2 रूम में हम लोहे का रैक बनवाएंगे, क्योंकि बांस में भी बहुत सारा पैसा लग जाता है। बांस में तो, बांस का तो चलिए रेट कम है, लेकिन उसे बनवाने में जो कॉस्ट लगता है वो बहुत हैवी होता है, लगभग लगभग बांस के कॉस्ट के बराबर पड़ जाता है। इस एक रूम में 173 बांस लग गया, जो कि थोड़ा महंगा है, उससे बढ़िया है कि लोहा का रैक हो जाएगा। केसिंग की वीडियोस भी बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग भी सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, और धीरे धीरे कंप्लीट वीडियो सारे प्रोसेस की आती रहेगी। थैंक यू।